हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार बिजली विभाग की तरफ से। फ्रेंड्स, इसमें आपको बम्पर नंबर के पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 3000 के करीब सीट निकल के आई है। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पोस्ट बताने वाली हूं जो कि बिना आईटीआई वालों के लिए। तो अगर आप भी इच्छुक हो तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि बिहार में आई है आपको बिजली विभाग में बम्पर पदों की वैकेंसी। एज यू कैन सी कि यहाँ पर टोटल 2610 सीट है, 2610 पद रहेंगे। और इसके लिए जो अप्लाई करने की तिथि है फ्रेंड्स, वो रहेगा आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है। अब बहुत कम समय बचा है, जल्दी ही फॉर्म ऑनलाइन होने लग जाएगा और आप 30 अप्रैल तक बिल्कुल भी इंतजार मत करना, ऑनलाइन होते ही अप्लाई कर देना आप, ठीक है। अब अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा, आइए देख लेते हैं। जनरल बीसी और ईबीसी से 1500 यानी 1500 रुपया लिया जाएगा और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट से 375 रुपीज लिया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है एग्जाम डेट क्या होगा। फ्रेंड्स, मई से जून में आपका ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, मतलब अप्रैल में फॉर्म अप्लाई करो और मई में आपका पेपर हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको पहले से ही मतलब बताना स्टार्ट कर देती हूँ डिटेल्स वगैरह कि अगर आप इलिजिबल हो तो तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लो, क्योंकि काफी कम समय बचा है अब, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहेगी। आपका जो एज कैलकुलेशन होगा एज ऑन 31 मार्च 2024 के अनुसार 21 वर्ष से 37 वर्ष मतलब 21 to 37 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट है सभी इलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि ये जो अपर एज लिमिट होती है इसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। बीसी और ईबीसी के कैंडिडेट को 3 ईयर्स का मिलता है मतलब 21 वर्ष से 40 वर्ष। एससी एसटी को 5 वर्ष का मतलब 21 वर्ष से आपका 42 वर्ष। और जो बिहार डोमिसाइल की बिहार निवासी जो महिला कैंडिडेट है उनको भी 3 वर्ष का यहाँ पर छूट मिलता है, ठीक है, उनके लिए भी आपका 40 ईयर्स हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि किन किन पोस्ट पे कितना कितना सीट है और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए 300 सीट है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बीकॉम मतलब कॉमर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए ये रहने वाला है। उसके बाद है करेस्पॉन्डेंस क्लर्क का, 150 सीट रहेगा और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ स्टोर असिस्टेंट की भी पोस्ट है, 80 सीट रहेगा और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए आप देख लेते हैं तीनों ही पदों के लिए कैटेगरी वाइज सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, करेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए जनरल वालों का 70 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, एससी के लिए 62 है, एसटी के लिए 7, ईबीसी के लिए 80 और बीसी कैंडिडेट के लिए 55 सीट है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट के लिए जनरल का 38, ईडब्ल्यूएस का 15, एससी का 30, एसटी का 3, ईबीसी के लिए 37 और बीसी के लिए 27 सीट रहेगा। लास्ट हमारा पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, इसके लिए आपका जनरल का रहेगा 20, ईडब्ल्यूएस का 8, एससी का 16, एसटी का 2 और ईबीसी का 20 रहेगा, बीसी के लिए 14। आई होप आप ये ओवरऑल समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। आपका सिलेक्शन मेजर 3 स्टेज पे डिपेंडेबल रहेगा और सबसे बड़ी खुशखबरी इस बार ये रह रही है कि जो भी बिहार से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हो रहा है उसके शॉर्ट नोटिस में ही मेंशन कर दिया गया कि अब जो भी पेपर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि धांधली वगैरह जो ऑफलाइन पेपर में होते हैं उससे सभी बच सकते हैं।
सबसे पहले स्टेज पर जब आप ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास कर लेंगे तब आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिंपल सा एक मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। चलिए अभी तो जैसे एग्जाम का पैटर्न क्लियरिफाई नहीं किया गया, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देख लेते किन किन विषय से यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, पहला है आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा रीजनिंग रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स से आपका ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन, कितने मार्क्स के लिए, समय क्या होगा, ये अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नोटिस आती है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रहेगा एग्जाम में, ये शॉर्ट नोटिस में बताया गया। फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट को 40% लाना है, ओबीसी को मिनिमम 36.5% लाना है, एससी एसटी फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन 32%। तो ये देखिए, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन जिस तरह से आपको पता है कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो हर जगह इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो आपको मिनिमम नहीं, हाईएस्ट आपको कट ऑफ सोच के चलना है। सो दिस इज एग्जाम पैटर्न, आप समझ गए होंगे। बाकी का प्रोसेस भी आपको पता है, डीवी मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, तो बिहार में ही ज्वाइनिंग होगी। अभी अगर एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो कुछ क्लियर नहीं बता सकती, क्योंकि ऑनलाइन है, तो हो सकता है कि अदर स्टेट वाले बच्चे भी वहां से आप एग्जाम दे सकते हैं। कहाँ सेंटर होगा, क्या होगा, ये सब बाद में बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो सैलरी क्या मिलेगा, 36,800, मतलब कि आपका 37,000 से शुरुआत होगा सैलरी, आफ्टर पर्स अलाउंसेस 58,600, मतलब कि 60,000 के करीब आपका सैलरी बाद में बढ़ के हो जाएगा। आई होप सारी डिटेल्स इस पोस्ट के रिगार्डिंग समझ गए होंगे। कहीं पर भी आप भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, जरूर कमेंट करिएगा, वहां पे क्वेरीज सॉल्व की जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।